नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी और चलते हैं खबरों की ओर। बात कर लेते हैं यहां पर कोरोना को लेकर भारत में हुई मौतों पर। WHO की रिपोर्ट पर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जानकारी के अनुसार जनवरी 2020 में दिसंबर से लेकर 2021 के बीच कोरोना संक्रमण से भारत में 87 लाख लोगों की मौत हुई है। इस आंकड़े को केंद्र और राज्य सरकार ने नकार दिया है। ये आंकड़ा आधिकारिक तौर पर दिए गए आंकड़ों के से करीब 10 गुना ज्यादा है। मंत्री सारंग ने कहा कि भारत अच्छा काम करता है तो कुछ देश हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। WHO ने बिना तथ्य के आंकड़े पेश किए हैं। कोरोना को लेकर WHO ने जो रिपोर्ट जारी की है उस पे जो है अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में 2 साल में भारत में 87 लाख लोगों की मौत जो है कोरोना से होने का दावा इस रिपोर्ट में किया गया है। चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा है मंत्री विश्वास सारंग ने। कर रहे हैं इसके बारे में निंदा कर रहे हैं, पर हमें विदेश मंत्रालय के साथ भी कुछ कोऑर्डिनेशन करके बातचीत जरूर करनी चाहिए कि इंटरनेशनल फोरम पर भी विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये बात जरूर जानी चाहिए। खंडन कर रहे हैं इस चलिए अब चलते हैं चर्चा की ओर। बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुशील शर्मा जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार जो कि सुशील शर्मा जी हमारे जुड़े हुए हैं, तो उनसे समझेंगे इस बात को। साथ ही कांग्रेस तरफ से आनंद तारण जी और भाजपा से विशाल राजौरिया जी। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर विशाल राजौरिया जी आपसे रहेगा। भाजपा काम तो कर रही थी कोविड के टाइम पे, लेकिन देखिए मौतों के आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता और WHO की रिपोर्ट पर आप सवाल खड़े करना, कहीं ना कहीं राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लेकिन ये आंकड़े अपने आप में डरा देने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने हमको जोड़ा, और मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि WHO जो एक हजारों किलोमीटर दूर बैठी संस्था बंद कमरे में बैठकर ये आंकड़े कहाँ से लाएगी? यहाँ जमीन पर हम काम कर रहे थे, सरकार काम कर रही थी, अनेक सामाजिक संगठन काम कर रहे थे, और जितने लोग मारे गए उसमें मैक्सिमम लोग अस्पताल में मारे गए, क्योंकि जो लोग घर पे थे वो तो स्वस्थ हो रहे थे। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल ने सारे आंकड़े दिए हैं, शमशान पर आंकड़े हैं, और ये आंकड़े जोड़कर ही सरकार ने बताया है, और सबके बीच में ये बात है। आंकड़ों में कहीं 200 है तो 210, 205 तो हो सकता है, पर 10 गुना ये आंकड़े काल्पनिक आंकड़े WHO दे रहा है। और WHO तो ये बोल रहा था कि भारत सक्षम नहीं है, भारत के पास साधन नहीं है। WHO ये बोल रहा था कि भारत की जो वैक्सीन थी वो अमेरिका ब्रिटेन में हमारे भारतीय जो जाने वाले थे उनको मना कर दिया गया था कि साहब हम को वैक्सीन इसको नहीं मानेंगे। पर आप ये देख रहे हैं कि आज हम 2 साल से कोरोना से लड़ रहे हैं, जिस तरह से हमारी वैक्सीन कारगर हुई है, तीसरी लहर हो, दूसरी लहर हो और चौथी लहर हो, हमारे वैक्सीनेशन से लोग ज्यादा ताकत से लड़ पा रहे हैं और ज्यादा कम डैमेज हमको हुआ है। तो WHO उस पर तो कोई बात नहीं करता और ये 10 गुना आंकड़े ले आया है। मैं तो इससे हैरत में हूँ कि आंकड़े कहाँ से ले आया है। जवाब लेते हैं इसी का। आनंद तारण जी, आपके पास मौका था, पार्टी के पास भी मौका था विधानसभा में कोरोना का मुद्दा उठाने का, कई जगहों पर जो है कह सकते हैं कि आप इस बात को उठा सकते थे, लेकिन कोविड के टाइम पे आप भी जो है कहीं ना कहीं अपने कार्यालय में ताला लगाकर बैठे हुए थे। अब ऐसे में मौतों के आंकड़ों पर राजनीति तो काफी बार हुई, लेकिन अब जो WHO आंकड़े बता रहा है उस पर कांग्रेस का क्या रुख है? कांग्रेस ने हमेशा बोला है, कांग्रेस ने कब नहीं बोला? और ये तो झूठ का पुलंदा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इन्होंने हमेशा नकारा कितने लोग मारे गए, ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किस तरह से कालाबाजी बाजारी हुई, किस तरह से चोरी हुए, और उसके पीछे सब भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल रहे उन सब चीजों में, तो किस तरह की ये बातें करते हैं? और ये तो झूठ का पुलंदा है। इन्होंने जो वायदे किए, इन्होंने बोला किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या की? इन्होंने बोला 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, क्या दी इन्होंने? तो इन्होंने जो वायदे किए कहीं ना कहीं, चाहे इन्होंने 15 लाख की बात की हो, चाहे काले धन की बात की हो, तो किस मामले में ये सक्सेस रहे बताएं? एक आध चीज बता दें कि भाई हमने ये काम करा, ये तो केवल और केवल झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलो, बार बार बोलो, इतना बोलो कि वो सच की परिस्थिति कर जा। तो भारतीय जनता पर अब जब WHO ने सब चीज क्लियर कर दी है, पूरी तरह से हर आदमी उस बात को बोल रहा है, और इसके बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नकार रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। कितने लोग मारे गए हैं, पूरे प्रदेश में हाहाकार रहा, दवाइयां थी नहीं, ऑक्सीजन थे नहीं,
बैट थे नहीं, इंजेक्शन की का किस तरह कालाबाजी चोरी हुई और उसको किस तरह से ब्लैक मार्केटिंग में बेचा गया, तो ये बताता है भारतीय जनता पार्टी इस मामले में कितनी सक्रिय रही। चलिए सुशील शर्मा जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगी यहाँ पर। कोविड काल में एक चीज हमने देखी थी कि जिस तरह से लगातार मौतें हो रही थी, सरकार चलिए मान लिया कि उस व्यवस्थाएं जो हैं सभी उस सिचुएशन से डील कर रहे थे, लेकिन जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं ये WHO की तरफ से आए हैं जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसके आंकड़ों पर सवाल उठाना कितना सही है, किस हद तक सही है, साथ ही जो बात है विश्वास सारंग कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, तो इसको किस तरीके से देखा जाए फिर अब? हेलो जी, जी फिर से सवाल पूछूं। सुशील जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि कोरोना काल में सभी जो है कुछ परिस्थितियों से लड़ रहे थे, सरकार भी लड़ रही थी, हेल्थ हमारी जो फिलहाल हमारी हॉस्पिटलिटी है वो यहाँ पर हॉस्पिटल काफी कह सकते हैं कि इस्तनाबूद हो गई थी व्यवस्थाएं सारी, लेकिन उस वक्त में भी वापस उसको खड़ा किया, कोरोना का वैक्सीनेशन चल रहा था उस वक्त में भी जो है दवाइयों की व्यवस्था की जा रही थी, सब चीजें हो रही थी। अब ऐसे में मौतों के आंकड़ों से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सिचुएशन सबके लिए नहीं थी, सरकार के लिए भी नहीं थी, डॉक्टर्स के लिए भी नहीं थी, लेकिन जो आंकड़े WHO पेश कर रही है और जो सवाल अब यहाँ पर विश्वास सारंग खड़ा कर रहे हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके आंकड़ों पर सवाल खड़े करना और जिस तरीके से लाशें हमने खुद देखी हैं, तो क्या लगता है कि किस हद तक WHO के आंकड़े जो हैं वो सही हो सकते हैं? और जो बातें विश्वास सारंग कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है भारत के खिलाफ, इतने आंकड़े जो है काफी ज्यादा है, इतने आंकड़े नहीं हो सकते भारत के, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए अनन्या जी, पहली बात तो यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और भारत ने जो दावा किया था उसके लगभग 10 गुना ज्यादा मौतों की भारत में संभावना जताई है और भारत सरकार ने इस पर आपत्ति की है। तो WHO का जो अपना तरीका है वो संभावना आधारित है और भारत सरकार के पास ऑथेंटिक आंकड़े होंगे, लेकिन ये बात भी सही है कि अक्सर हमने देखा है कि जब भी कहीं कोई बड़ी त्रासदी होती है, बड़ी दुर्घटना होती है, बड़ा वो होता है तो उसमें सरकार आंकड़े छिपाने की कोशिश करती है। ये हम आप बहुत अच्छे से, हम तो चूंकि भोपाल वासी इस बात के भुक्तभोगी हैं कि यूनियन कार्रवाई से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग अभी भी जो है घोषित किए गए, घोषित रूप से कितने और गैर आधिकारिक आंकड़े क्या बात कहते हैं, तो ये इस बात में कोई असहमति नहीं होना चाहिए कि सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आंकड़ा का अंतर इतना ज्यादा हो सकता है इसमें भी संशय है, क्योंकि देखिए जहां भी मौतें हुई हैं वो सब रिकॉर्ड में आई होंगी, कहीं ना कहीं आई होंगी, किसी न किसी रूप में आई होंगी, जरूरी नहीं हो कि वो कोरोना से मौत के रूप में आई हो, लेकिन मौतों का आंकड़ा दर्ज हुआ है, तो वो आंकड़े सरकार को सार्वजनिक करके जो WHO ने जो भारत सरकार पर एक कलंक लगाने की कोशिश की है, अगर ऐसा भारत सरकार मानती है तो उसको स्पष्ट रूप से आधिकारिक आंकड़े मौतों के कोरोना से मौतों के नहीं, इस दौरान जितने भी मौतें हुई हैं फिर चाहे वो कोरोना से हुई हो या कोरोना के कारण नहीं हुई हो, दोनों की ही संख्या को सामने रखना चाहिए। दूसरी बात, WHO के इस बात में एक बहुत हैरानी वाली बात है कि WHO ने चीन में मौतों को लेकर जो है स्थिति स्पष्ट नहीं की, जबकि ये वायरस वहां से आया और उस वायरस के कारण अभी भी वहां पर तबाही मची हुई, अभी भी ये खबरें आती रहती, हालांकि वहां पर मीडिया बैन है, केवल सरकारी मीडिया ही आधिकारिक रूप से जो है जानकारी देता है, पर उस जानकारी के अनुसार भी ये बात है कि अभी भी कुछ जगहों पर वहां बैन लगा, उसमें जो है लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। तो भारत के प्रति WHO का रवैया और चीन के प्रति WHO का रवैया, ये भी कहीं ना कहीं एक विरोधाभास प्रकट करता है। इसके बावजूद भी हमें ईमानदारी से अपनी सरकार पर विश्वास भी करना चाहिए और अगर WHO कोई आपको आंकड़े प्रस्तुत करना है तो उसको सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए और सरकार को स्पष्ट रूप से क्लियर करना चाहिए कि वास्तव में भारत में कोरोना के दौरान कितनी मौतें हुई हैं, कोरोना से हुई ये नहीं, कितनी मौतें हुई हैं, फिर ये जनता अपने आकलन करे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके की 2021 में स्थितियां बनी थी, ये बात तो है कि मौतों की संख्या बड़ी होगी और सरकार ने आधिकारिक रूप से लगभग 4.5 लाख मौतों का वो बात भी कही है, लेकिन 4.5 लाख और 50 लाख में बहुत अंतर है। तो ये बात अब
खबर जो थी पहले कभी सुनी नहीं थी कि गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आ रही थी। उस तस्वीर के आने के बाद सभी जो है अंदर तक हिल गए थे कि ऐसी तस्वीर जो है कहीं ना कहीं तबाही की निशानी है। और अब अगर इन तस्वीरों को याद किया जाए और जो आंकड़े देखे जाएं तो यह पॉसिबिलिटी तो है कि आंकड़े हो सकते हैं ज्यादा, चलिए मान लिया कि 47 लाख ना हो लेकिन उससे कम तो हो सकते हैं, 10 गुना नहीं तो उसमें 2 गुना या 3 गुना तो आगे यहाँ पर एक संभावना हो सकती है कि आंकड़े उससे ज्यादा हो सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कुछ बातें ऐसी जरूर हो सकती हैं। शर्मा जी ने जिस तरह से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने बात कही कि भाई आंकड़ों में छोटा मोटा अंतर हो सकता है और निश्चित तौर पर सरकार से पूछा जा रहा है।